दोस्तों, मैं फिल्मी गर्ल हाजिर हूँ आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सब लोगों को जरूर पसंद आया करे। दोस्तों, फाइनली एनिमल मूवी के ओपनिंग डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिपोर्ट सामने आ गए हैं। मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो बताने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि एनिमल मूवी के एक्टर रणबीर कपूर इस वक्त एनिमल मूवी के सक्सेस होने को अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। और तो और, एनिमल मूवी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी निकली। हालांकि इस मूवी को A-30 टिकट मिला, यानी कि एडल्ट मूवी हम लोग इसे कह सकते हैं। और मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन्स भी हैं जो शायद बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। गाली गलौज, मार काट, खून खराबा और कुछ ऐसे इंटीमेट सीन दिखाए गए हैं जो शायद बच्चों के सामने देखने लायक ये मूवी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये मूवी ने तो आग लगा दी है। अपने बॉलीवुड में ऐसी मूवी आज तक नहीं बनी है। जी हाँ दोस्तों, संदीप रेड्डी वांगा ने वो करके दिखाया जो आज तक बॉलीवुड का कोई भी डायरेक्टर नहीं कर पाया, वो भी उस एक्टर के लिए जो जिसे चॉकलेट बॉय के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, रोमांटिक फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं जिसका हर मूवी में दिल टूट जाता है। रोने धोने ये सारी चीज़ें मतलब उनको इतने अच्छे से निखा रहे हैं ना संदीप रेड्डी वांगा, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रणबीर कपूर एकदम जल्लाद वाले अवतार में नजर आए हैं मार काट करते हुए। उनका जो रौद्र अवतार दिखाया गया दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और ये हमारे बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर बन गए हैं ना जिन्हें ऑडियंस काफ़ी लंबे समय तक याद रखने वाली हैं। और दोस्तों, ऐसा हुआ है ना बहुत सारी फिल्मों के साथ, ऐसा हुआ है जिस फिल्म को ये सर्टिफिकेट मिलता है उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेकिन एनिमल मूवी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट नहीं मिला बल्कि ए सर्टिफिकेट मिला, एडल्ट का नाम मिला। लेकिन इसके बावजूद भी मूवी ने अपने ओपनिंग डे में बहुत बड़ा धमाका किया है। मतलब कि ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी इस फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ा है, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ा है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करना पसंद करूंगी। तो दोस्तों, एनिमल मूवी का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 116 करोड़ रुपये है। वहीं अगर मूवी के घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों, मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 63 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर हिंदी में बात करें तो मूवी हिंदी में 50 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, कर्नाटक में 9 करोड़ का, मलयालम में 1 करोड़ का, वहीं तेलुगु में मूवी ने 10 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तमिलनाडु में इस मूवी ने 4 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। ऐसे में अगर देखा जाए तो एनिमल मूवी ने अपने हर भाषाओं में बहुत अच्छा खासा कलेक्शन किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मूवी ने अपने ओपनिंग डे में 63 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है दोस्तों, जो कि पहले ही बोला जा रहा था कि ये मूवी जो है 60 करोड़ के पार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी। हालांकि मूवी उस लायक है भी। वहीं अगर दोस्तों एनिमल मूवी के स्टोरी के बारे में बात करें तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता ही है कि एनिमल मूवी की स्टोरी बाप बेटे पर बेस्ड है, जहां पर एक बाप अपने बेटे से रूडली बात करता है, उसे टाइम नहीं देता, उनके पास अपने बेटे के लिए टाइम नहीं होता। वहीं बेटा अपने बाप के लिए कुछ भी कर जाता है, यहाँ तक कि जानवर बनने के लिए भी तैयार रहता है। और एनिमल मूवी में किस लेवल का एक्शन दिखाया गया है, मार काट दिखाई गई है और लैंग्वेज भाई जिस तरह का प्रयोग किया गया है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते, बाकी इतना भी बुरा नहीं है। और कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कुछ ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि एनिमल मूवी में किस हिसाब का हमें स्ट्रेन दिखाया गया है। वहीं अगर इस मूवी के BGM के बारे में बात करें तो उस पर पहले भी बात हो चुकी है, मेरे पुराने वीडियोस में मैंने इस पर बात की है, तो BGM वगैरह काफ़ी बढ़िया है। वहीं सॉन्ग के बारे में बात करें तो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है। बाकी दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो रणबीर कपूर का इस मूवी में जो लुक दिखाया गया है भाई साहब, वो आज से पहले किसी भी मूवी में नहीं दिखा था रणबीर कपूर का ऐसा लुक जैसे एनिमल मूवी में दिखा। दोस्तों, मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि संदीप रेड्डी वांगा एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है और वो आगे चलकर बहुत ही अच्छे डायरेक्टर होने भी वाले हैं। और संदीप रेड्डी वांगा ही हैं जो रणबीर कपूर को हम लोगों के सामने ऐसे दिखा सकते हैं। बाकी बॉलीवुड का, साउथ का कोई भी डायरेक्टर नहीं है जो रणबीर कपूर को ऐसे हम लोगों के सामने प्रेजेंट करे। फिलहाल तो एनिमल मूवी ने अपने ओपनिंग डे में जबरदस्त कमाई कर डाली। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि एनिमल मूवी अपने सेकेंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना करते हैं। तो दोस्तों, एनिमल मूवी अगर आपने देखी है तो ये मूवी आपको कैसी लगी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, फटाफट कमेंट करके बताइए। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बातचीत करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।